Hello everyone, welcome to our channel Sunshine for Twins Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant, a career counselor, and I also train my students for different types of examinations. आज का हमारा जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 2 years मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूएसए जाते हैं तो वहाँ रहने में पढ़ाई करने में टेंटेटिवली आपको कितना खर्चा आएगा और ये जो मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा ये टेंटेटिव है बिकॉज वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है. अगर हम लोग यूएसए की बात करें 2 years मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्यूशन फीस जो 2 साल की एक एवरेज आती है दैट विल बी अराउंड 28 लाख इंडियन रुपीज़. अब मैं आपको जो भी वैल्यूज बताऊँगा वो सारी इंडियन रुपीज़ में होंगी बट उसका जो US डॉलर इक्विवेलेंस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. अब लिविंग एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो 2 साल तक आपका रहने का खाने का जो भी खर्चा आता है वो टेंटेटिवली आपका अराउंड 14 लाख आता है. तो अगर हम लोग इन दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो व्हाट वी कैन सी इज आपके टोटल एक्सपेंसेस जो आते हैं वो 42 लाख इंडियन रुपीज़ के करीब आते हैं. अब मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो US में रह के ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं. जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं वो अपने पार्ट टाइम जॉब से 2 साल तक का लिविंग एक्सपेंसेस ईजिली मैनेज कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 14 लाख. तो फाइनली जो नेट कॉस्ट है जो स्टूडेंट को अपने पॉकेट से पे करनी पड़ती है दैट इज 28 लाख इंडियन रुपीज़. लेट्स से कि अगर कोई स्टूडेंट को असिस्टेंटशिप मिल रही है टीचिंग असिस्टेंटशिप या आपका रिसर्च असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप और या स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो आपकी जो टोटल नेट कॉस्ट है उससे डिडक्ट होती है. अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कितना पार्ट टाइम जॉब US में कर सकते हो. यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ वीक एंड ये जो आपका पार्ट टाइम जॉब होता है ये ऑन कैंपस ही होता है मेजरली US के केस में. अब अगर नेट कॉस्ट की बात करें लेट्स से अगर आपको कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिली स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उस केस में 28 लाख इंडियन रुपीज़ तक का एक्सपेंसेस आपको आता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्प करेगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका कितना एक्सपेंसेस आएगा US में पढ़ाई करने के लिए. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें. इन केस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और क्वेरीज को पोस्ट करें. May God bless you and I wish you a very happy learning.